सो हे गाइस, आज के दिन की शुरुआत हम कुछ अच्छे तरीके से कर रहे हैं, यानी कि हमने आज सुबह सुबह बहुत इंटेंस वर्कआउट किया मैंने दीदी ने, और अभी हम लोग किचन में आए, मैंने खा लिया वेजीज और दीदी खा रही है। दीदी अपने लिए बना रही, क्या बना रही है? मैं इंडिपेंडेंट बनना चाह रही हूँ लाइफ में। कुकी दूर करा अपन चेहरा। इसमें क्या पढ़ना है? व्हिच इज नॉट इन हर डाइट। मैं को पढ़ना नहीं, उसमें कुछ लिखना है मुझे, नोट्स कुछ, मतलब शायरी वायरी टाइप। नोट्स में नहीं लिख पाता, मेरे को फील नहीं आता। कॉपी में जो असली मजा है ना लिखने का, एक असली लेखक किताबों में ही, कॉपियों में ही लिखता है। गिंजा गांजी करके बहुत चालाक हो तुम, अब मैं कुछ भी करूँगा तुम जीत जाओगी। नहीं जीतोगी। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बना बना। जब तक कमेंट भी करेंगे तब तक तो जीत चुके हैं। जीत नहीं पाओगी। मैं जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपको भी जीतने नहीं देंगे। हाँ तो अभी नेक्स्ट टाइम देखना तुम हार जाओगी, मौका देना बस। ये तो हो गया, दिस इज एंड गाइस, दूसरा खेलेंगे हम। फूल जाता है। ओहो बेरीज गाइस, ऐसे कैसे छीन लेंगी आप? देखो अपने घर बुला के खाने नहीं देती, महंगा सामान। चल बड़ा हार गई। हार गई। ये हार गई। बस हारने से मतलब चाहे कैसे भी हार गई। तो गाइस सुबह होता है और हम लोग पूजा से शुरुआत करते हैं, खाते पीते हैं। मैं ले लेता हूँ मतलब मोबाइल लेके वीडियो एडिट करने लग जाता हूँ, कुछ अच्छा काम करने लग जाता हूँ। ये क्या करती है, इंस्टाग्राम ऑन कर लेती है और बस दिन को गुजार देती है, और कुछ थोड़े बहुत फोन कॉल्स। नॉट एट ऑल, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। हेलो। तो इनसे एक सवाल पूछा गया है कि आपका कोई निकनेम है, बताइए जरा। यस मिल्की। यस ये कौन नाम रखा है? मेरे माता पिता रखे हैं। मिल्की क्या सोच के? मैं एकदम मिल्की वाइट थी पहले। आप बताइए थे डरी सहमी क्यों है? कहां डरी सहमी है, थोड़ा चिल्लाइए। नहीं, थोड़ा नया मोबाइल मिल रहा है। बैठ ठीक सोनी जी। बताएंगे क्या खाएंगे आप? तो आप चली क्यों गई यहाँ से? पूछ के। अरे मुझे मतलब प्याज एक ठो रोटी बना दीजिए। वैसे आपको लोग बहुत प्यार करने लगे हैं मेरे ब्लॉग में। सोनी जी नारा लग गया है। देखिए किसी ने किडनैप कर लिया, धरना प्रदर्शन हो गया है। सोनी जी को हमारे पास भेजो, सोनी जी को हमारे पास भेजो, सोनी जी हमारी। सही बात बता रहे हैं, जिसके यहाँ जाते हैं ना काम करने, उनको आप बहुत अच्छी है, कल उसके यहाँ सब तीनों का थी। हमको अपने से खोज के ला कर दो, हमें कहाँ से ला खोज के दे, हम आप ही क्या चलाते हैं, मेरी भाभी क्या करेगी। सोनी ऐसा काम मत करना, तुमको रुपया पैसे भी देगी तो सर हम दुगना देंगे, तुम उसके मत जाना, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। अयो है। और वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू ओनली डिसाइड वेयर डू यू वांट टू गो, यू वांट टू वॉच मी और हिम। हर चैनल नेम इज VIVEKKESHARI, माय चैनल नेम इज विवेक केशरी, डू सब्सक्राइब एनी ऑफ चैनल्स। नॉट एट ऑल, माइन इज अक्षरा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, अक्षरा सिंह व्लॉग्स चैनल। यस गाइस डू रिपोर्ट लाइक कमेंट एंड शेयर। तो सोच रहा होगा कि भगवान ऐसा कुछ कर दीजिए जादू कि मैं दीदी के साथ पूरा जीवन गुजारूं। आप कितनी भोली हैं दीदी, कितनी गलत फहमी में रहती हैं आप। गलत फहमी में तो रहती हूँ मैं, भोली तो हूँ मैं। देखो भोली हैं पर मुझे बहुत प्यार करती हैं। हम लोगों का ये चटाचट फेमस हो गया है यार, मेरा कोई वीडियो ऐसे नहीं जिसमें इन्होंने मारा नहीं, मेरे को मार मार ट्राई किया। मजा आता है ना मारने में? ए नहीं कमेंट मत करना। हां छोटे भाइयों को मारने में मजा आता है ना, बड़ी बहनों को भी मार सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मारता इनको। नहीं मार, तुम इज्जत कर रहे हो ना। हाँ। आज के युग के लड़के हो। हाँ। हिंदू संस्कृति को जानते हो। हाँ। परिवेश और अपना संस्कार पहचानते हो। पहचानते हो तो दीदी पे हाथ कैसे उठा सकते? तो दीदी कैसे उठा सकती है अपने छोटे भाई पे? ये भी तो परिवेश और संस्कार में आता है। नहीं बड़े बच्चे को मार सकते हैं, बच्चे ही बड़ों से सीखते हैं, इसका क्या? नहीं वो नहीं, बच्चे को सुधारने के लिए एक उपाय है मार। क्या किया? वो मार बहन भाई को मार सकती है, चट चटाचट चटाचट। दिख रहा है आपको, दया तो आ ही रहा होगा।
तुम्हारे मन में सोच आया। अब गाइस आपको दिखाता हूँ क्या हुआ मेरे जिस्म के साथ, सी कितना लाल और रेडिश हो गया। कुछ नहीं बेटा, वहाँ ब्लड वो हो जाएगा प्यूरिफाई। अच्छा ओके, तो अभी हम रंगारंग कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। हमारे बिकू भैया आए हैं जो बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं, और इधर मैं बहुत अच्छा यूकेलेले बजाता हूँ और वो सबकी बजाती हैं। तो हम सब मिलकर आज रंगारंग कार्यक्रम करने वाले हैं। कृष्ण भगवान से शुरू करते हैं। सभी चाचा चाचियों से अनुरोध है कि मंच से थोड़ा दूर होकर बैठे और मोबाइल से रिकॉर्डिंग ना करें, अलाउड नहीं है, पैसा जमा करके तब रिकॉर्डिंग करें। चलिए सुनते ही दौड़े करे यार। को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। चलिए आज के शाम के कार्यक्रम यहीं पर खत्म करते हैं गाइस। ऑलराइट गाइस, तो उसके बाद मैं चला गया था जिम, और जिम से फिर आया तो मैं काफ़ी कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत थक गया था यार। अब फिर नहाया वाया घर में, लाइट का भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, शायद बिल्डिंग की सबकी लाइट चली गई थी। फिर जनरेटर से लाइट आया, थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ, मतलब एकदम अंधेरा हो गया था। अब बारिश बहुत ज़ोर ज़ोर से हुई जा रही थी, तो बारिश वारिश बंद हुई और फिर लाइट आई, फिर मैं थोड़ा रेस्ट किया, बैठा, फिर दीदी वर्कआउट कर रही थी तो मैं फिर दीदी के पास भी ज़्यादा नहीं गया। पर अभी हम दोनों आराम से बैठ गए, मतलब पूरा काम वाम ख़त्म हो गया है। दीदी के मम्मी का बर्थडे, तो हम लोग रात में 12 बजे केक कट करने वाले हैं, और शायद नहीं पता है ना, ऑब्वियसली नहीं पता होगा, वी आर गिविंग सरप्राइज। तो बस हम केक कट कर पा रहे हैं क्योंकि अभी बॉम्बे जाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो दीदी का बहुत मैंने जाना, और वो कह भी रही थी चलते हैं आज, चलते हैं कल आ जाएंगे, फिर मैंने ही मना कर दिया इसलिए कि सेफ नहीं है यार जाना, फ्लाइट से जाना, मतलब फ्लाइट इंटरनेशनली ट्रैवल कर लोग आ जा रहे हैं तो कोविड में। साथ में ही रही हूं। कोई नहीं, आज हम लोग वर्चुअल बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम मम्मी के लिए कुछ कपड़े देखेंगे, यानी कि साड़ी देखेंगे। आंटी साड़ी ज़्यादा पहनती हैं और उन पर बहुत अच्छा भी लगता है, अगर आपने देखा होगा फोटो, मैं अभी यहाँ पे फोटो लगा रहा हूँ, देख लो, शी इज़ सो प्रिटी, और एक अलग वाइब और अलग ऑरा है, सामने से देखोगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे। तो हम उनके लिए कुछ कपड़े डिसाइड कर रहे हैं। और अरे क्या सही लग रहा है ये। श्योर? यस। दो दो मम्मी है, ऐसे नहीं करो यार। क्या है ये व्हाइट स्टिक? च्यू स्टिक है लगा। अच्छा, ट्रीट से। क्या बोली? 9-4 क्या? 9-4-36। ये कौन सा गणित पढ़ी है आप? हमें पढ़ाइए क्या? ये कौन से गणित में आता है 9-4-36? कौन सा? 9-4-36। अच्छा 9-4, मैं तो कंफ्यूज हो गया था। पढ़ा रहेगा स्कूल में टेबल, तब तो याद रहेगा। पढ़ाओ मुझे, 22-23 का भी टेबल आता है, मैं आपको सुना सकता हूँ अभी। जा क्या बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? 2-1 जा, 3-1 जा, जा। जा इसलिए लगाते हैं कि जैसे 2-1 जा, 2 मतलब 2 और 1, तुम लोग साथ में जाओ। 2-2 जा 4, 2-2 जा 4 बन गया। पे जाता था, वो बोलता था दुख का दू, तो सब लोग बोलता था दुख का दू, दू दुनी चार, दू दुनी चार। हैप्पी बर्थडे टू यू। सो बज गए 12 और केक इन द फ्रिज। ये आ गया केक। ओके, सो अब हम केक खोलते हैं क्योंकि हम केक खाते नहीं है, इसलिए हमने केक बहुत छोटा मंगाया है। अरे यार लॉकडाउन में गिफ्ट भी नहीं दे रहे कोई। अच्छा तुम्हारा गिफ्ट पहुंचेगा ना। ओके, सो हम यहाँ रखते हैं मोबाइल। फोटो खींचो, अच्छा अच्छा मेरा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू।
हो गया बर्थडे, केक वेक काट लिया, बर्थडे तो पूरे दिन है पर हम लोग केक खा नहीं रहे, मतलब केक इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि केक मीठा होता है और अब वी बोथ आर ऑन डाइट, तो अब ये केक खाएंगे वो लड़कियां जो हमारे साथ वर्कआउट करती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है इट्स वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। वो इसलिए दीदी क्योंकि आप कुछ खाए नहीं है, टेस्टी तो है ही हालांकि, पर आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप कुछ खाए नहीं है सुबह से। सो आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहा और तो हम लोग करने क्या वाले नेक्स्ट व्लॉग में, क्या नेक्स्ट व्लॉग हम लोग करने वाले हैं कि मैं जो बोलूंगी तुम्हें मेरा हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा और मेरा सारा काम करना पड़ेगा, मैं जो बोलूंगी वही तो आप हमेशा से चाहती थी, तो आज व्लॉग तुम नहीं चाहते हो, मैं आप नहीं चाहते हैं, चाहते हैं ना, वो तो जरूर चाहेंगे, मैं नौकर बनने हूँ। सो वेल हम नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं सेइंग यस टू माय सिस्टर फॉर 24 आवर्स, इट मींस दीदी मुझे जो बोलेगी मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा पर उसका बदला मैं नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूंगा कि निकाल लूं, क्योंकि मैं ऐसे ही हूं। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, बाकी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर अपनी मम्मी से दूर हो, बाहर हो किसी के साथ, तो वीडियो कॉल पे जरूर बर्थडे सेलिब्रेट करना, बहुत अच्छा लगता है सामने वाले को कि यू केयर फॉर देम, चाहे वो कोई भी दोस्त वोस्त कोई भी हो। सो अपना ख्याल रखिए, रात हो चुका है, अब हम सोने जा रहे हैं, दीदी ने फ्लाइंग किस दे दी, मैं भी दे देता हूँ। यस बाय।